कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट की स्पीड के आसपास ट्रैवल करता है उसका मास बढ़ जाता है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। वेलकम टू स्पेशल रिलेटिविटी इन ए मिनट पार्ट 9। बेसिकली अगर आप लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज हमेशा आती है, द फास्टर यू मूव द हैवियर यू गेट। अब यहाँ पर दो तरीके की चीज होती है, एक होता है रेस्ट मास, इसका मतलब यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसका वो मास होगा, और एक होता है इफेक्टिव मास, मतलब वो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो मूव करने की वजह से उसके मास में कुछ चेंजेस दिखेंगे और उस हम लोग कहते हैं इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास को हम लोग जनरली रेस्ट मास से ज्यादा मानते हैं। तो इससे यह आइडिया आता है कि जब भी कोई चीज मूव करेगी तो उसका मास बढ़ जाएगा, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली में बढ़ रहा होता है यहाँ पर गामा, जो कि मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में समझाया हुआ है। गामा के बढ़ने की वजह से ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मोमेंटम बढ़ गया, पूरा का पूरा मोमेंटम बढ़ने की वजह से उसका इनर्शिया बढ़ गया। अगर आप लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा स्कूल में तो आपको पता है इनर्शिया क्या होता है। तो इफेक्टिवली वो इनर्शिया बढ़ता है, और वो इनर्शिया बढ़ते हुए दिखने की वजह से ऐसा इफेक्ट दिखता है जैसे कि मास बढ़ रहा है। तो ये गामा का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसे हम लोग दो एंटिटी का रेशियो मान सकते हैं, और वो रेशियो बढ़ता है इसकी वजह से हम लोग को मास बढ़ता हुआ दिखता है। तो ये गलत है, मास नहीं बढ़ता है, उसका इनर्शिया बढ़ता है जिसकी वजह से इफेक्टिवली वो मास बढ़ता हुआ दिखता है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोगों को भी ये मिसकंसेप्शन था।